स्वागत है कोविड को विभिन्न सामाजिक संजाल सबके मार्फत स यूनिसेफ लाइफ नेपाल के संयुक्त सहकार्य में नटराज प्रोडक्शन के प्रस्तुति रहले कार्यक्रम कोविड कुरा अपने सबके साथ में छी हम स्मृति मिश्र। आज जिना कि अपने सबके ज्ञाते है कि आई कोविड कुरा में हम सब विभिन्न अतिथि सबके आमंत्रण करे छी आ तहिना हुनका सबके संग में किछ बातचीत सब करे छी। आ अखन जे ई कोविड 19 से विशेष कक जे समस्या सब उत्पन्न भ रहल है तै के न्यूनीकरण अवश्य भ रहल है हमर सबके प्रोग्राम से बहुत मैसेजो सब हमरा सबके आबि रहल है ताहि के लेल अपने सबके बहुत बहुत धन्यवाद से हो। तहिना आजुक कार्यक्रम में जे हमर सबके एकटा विशेष अतिथि छथि बाल रोग विशेषज्ञ आ तहिना सामाजिक विकास मंत्रालय प्रदेश नंबर 2 के आपूर्ति महाशाखा के प्रमुख आ तहिना पूर्व प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक से हो आ संगे देश के विभिन्न तह के स्वास्थ्य संस्था सब में काज के ने डॉक्टर प्रमोद कुमार यादव जी तहिनका हार्दिक स्वागत। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। स्वागत है अपने सबके। ई कोविड कुरा अपने देखने छे देख लिया हम अपने के यूनिसेफ के साइट जी 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 ऐसे पूर्ववर्ती डांस सब हमरे कलीग छथिन मोबाइल रहथिन। चलो अपने सबके तो बहुत बहुत बधाई से हो कि ये कोविड 19 के ऐ महामारी में लड़े में अपने सब सफल भ रहल छी। जी धन्यवाद। हां विशेष क हम सब आई बातचीत करब गर्भ अवस्था से लकर आ करीब 8 वर्ष तक के बाल बालिका सब के अवस्था के बारे में। आई कोविड 19 के संदर्भ में बहुत प्रश्न सब अपने सबके मन में अबैत हैत। तहिना किछ प्रश्न सब हमरो ए डॉक्टर साहब से आए ओ संपूर्ण प्रश्न के उत्तर भेट जात हमरा सबके। विशेष क हम बातचीत करब गर्भ अवस्था से। जी जखन सपोज कि कोरोना वायरस के संक्रमित अगर महिला रहते तो ओहन अवस्था में गर्भवती महिला जखन बच्चा के गर्भ से जन्म देते तो तेहन सब अवस्था में बच्चा के कते चांसेस छै संक्रमित होइ छै कि नहीं होइ छै बच्चा। जी धन्यवाद, बहुत निक प्रश्न अपने के स्मृति जी। अखन बहुत लोग के ये जिज्ञासा है चूंकि ये एक नया प्रकार के नूतन वायरस छै तेज द्वारे नोवल कोरोना वायरस कहल जाय छै। अखन साइंटिस्ट सब ल या रिसर्चर ल एकर बारे में बहुत एक्सपीरियंस त नै छै, कुछ कुछ आबि रहल जे संक्रमित गर्भवती महिला जे प्रसव के दौरान संक्रमण होबे के नवजात शिशु के कुछ चांस छै, वास्तव में कुछ चांस छै, संभावना रहै छै, लेकिन तथापि यदि कुछ प्रिकॉशन सब लेल जाय तो वही संभावना के न्यूनीकरण कयल जा सके, नवजात शिशु में बहुत हद तक स्वस्थ बच्चा जन्मायल जा सके। जी केहन केहन टाइप के प्रिकॉशन सब वही में भेल अब सामान्य जना अपने के हाथ धोबे कहै छै, एकटा सोशल डिस्टेंसिंग सबसे जे आरो दोसर पेशेंट सब के लेल जाय छै तहिना प्रेग्नेंट महिला के हक में सेहो सोशल डिस्टेंसिंग सामाजिक दूरीकरण अखनी भौतिक दूरी कहे छै जे लगभग 1 मीटर या 3 फीट के दूरी बनायल जाय। तेकर बाद फ्रीक्वेंट कहे छै जे बार बार हाथ धोनाई साबुन से या सैनिटाइजर से, तेकर बाद मास्क लगनाई यदि हमसब मास्क लगबै छी, तेकर बाद बच्चा के प्रसव काल में यदि कुछ प्रिकॉशन से स्वास्थ्य कर्मी के तरफ से होय या महिला के तरफ से होय या मतलब पेशेंट के तरफ से होय, यदि प्रिकॉशन सब लेल जाय, यदि इन्फेक्शन प्रिवेंशन के संक्रमण रोकथाम के यदि बढ़िया नीति अवलंबन कयल गेल छै, बढ़िया व्यवस्था कयल गेल छै, तो बहुत हद तक बहुत न्यून कयल जा सके नवजात शिशु में संक्रमण के। जी अच्छा, अगर बच्चा के मदर के आमा के माय के अगर पॉजिटिव रहलै त तेहन समय में बच्चा के खास क के ब्रेस्ट फीडिंग करा सकै छी कि नै, दूध पियाब सकै छी कि नै। जी हम ई एहि प्रश्न के अपने से अपेक्षा करे छलिए और अपने के माध्यम से संपूर्ण श्रोता लोगन के जे अपने सब के देश भर में या जे सुन रहल छी या बुझ रहल छी बात जे अपना सब के वार्तालाप जे सुन रहल छी श्रोता लोग ने उनका की जानकारी करावा चाहे छी। वास्तव में यदि माय के पॉजिटिव कोरोना पॉजिटिव छै और बच्चा नवजात शिशु जन्मलै तैयो कोनो भी हाल में बच्चा के दूध पिलानाय स्तनपान रोक के नै छै, ई स्पष्ट मैसेज छै, क्लियर छै जे यदि माय पॉजिटिव छै तैयो नै बच्चा के स्तनपान रोकल जाय, ई एकदम अइ में कोनो कन्फ्यूजन नै छै। जी अइ में बच्चा में सर के चांस कुछ चांस छै सही रो सके, लेकिन तैयो अपना सब के
देश में या थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहे छे जना बच्चा के एक आरो उदाहरण दे छे अहू से पहले खतरनाक एक वायरस चले एचआईवी यदि माय एचआईवी पॉजिटिव छे तो यो बच्चा के कहल के जे दूध पिलाना नहीं रोक के छे और हम सब प्रत्यक्ष दर्शी छे जना ये लगभग शायद अपने के माध्यम से फिर जानकारी दिए जाए छे जे हमरा सब के अनुभव है जे लगभग 100 बच्चा एचआईवी पॉजिटिव बच्चा छले और वो और 1000 लगभग 500 महिला से बच्चा जन्मल रहे तो वहन बहुत बच्चा स्वस्थ भेले और कुछ बच्चा एचआईवी पॉजिटिव हो रहे लेकिन तहु अवस्था में हम सब या स्पष्ट गाइडलाइन से WHO के यूनिसेफ के से अपना सब के देश में थर्ड वर्ल्ड कंट्री या इवन कोनो देश में इवन उन्नतो विकसित देश में कोनो भी हाल में बहुत कम कंडीशन से जे बच्चा के दूध पीला से नहीं रोकल जा ते द्वारे फिर कह चाहे पुनश्च दोहराब चाहे जे यदि माय संक्रमित छे कोरोना वायरस से तथापि बच्चा के दूध पिलाना निरोग के अपन स्तनपान 6 महीना तक कराबे के छे यदि दूध पिलाला से कुछ चांस छे संक्रमण होवे के भ सके लेकिन उ ओते बड़का खतरा नहीं छे जना बुझे छे जे कोरोना वायरस होइते बहुत कुछ भ गेले या एकदम 100% मृत्यु होवे वाला कारण नहीं छे बहुत कम छे लेस देन मतलब 2% से कमे से मृत्यु होवे के यदि बच्चा के नवजात शिशु के अपना सब के कॉन्टेक्स्ट में अपना सब के परिप्रेक्ष्य में यदि दूध नहीं पियाल जाए स्तनपान नहीं कराएल जाए तो वही से बड़का क्षति वही से बड़का हानि भ सके ते द्वारे स्पष्ट ई छे जे फिर हम कह चाहे छी जे बच्चा माय यदि पॉजिटिव हो छे तब कोरोना वायरस के पॉजिटिव छे तथापि बच्चा के दूध पिलाए ले जाए और कुछ प्रिकॉशन के साथ जना और माय और बच्चा हमेशा एक ही रूम में एक साथ रह चाहे एकर बहुत कुछ फायदा छे एक तो बच्चा में रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ते बच्चा में रोग से लड़े के क्षमता बढ़ते ओमे इम्यूनोग्लोबुलिन सब रहे छे से माय के दूध से बच्चा में जाए छे तेकर बाद अपने के बच्चा में और आगामी दिन में श्वास प्रश्वास झाड़ा पखाला ऐ सब के संक्रमण होवे के बहुत कम चांस रहे छे और अगाड़ी जाबे यदि उ बच्चा एडल्ट होय छे नमर होय छे तो डायबिटीज रोग और विभिन्न तरह के आरो रोग सब होवे के बहुत कम संभावना रहे छे तो ई बहुत फायदा सब छे तै द्वारे जे अखन के स्थिति में बच्चा के दूध पिलाएल से नहीं रोकल जाए और कुछ सम प्रिकॉशन लग जना अपने के मास्क लगावे के छे फ्रीक्वेंटली हाथ धोवे के छे सैनिटाइजर यूज करे के छे और बेसी आदमी बच्चा के छूछा नहीं करे और यदि कोई छुए छे तो हाथ धोके साबुन से मात्रे बच्चा के छुअल जाए जी अपन दूध पिएला से इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग हेती ताई से विभिन्न तरह के रोग से लड़े के क्षमता भेटते बच्चा के और इत भेले करीब गर्भ से लगकर 6 महीना तक अब 6 महीना से ऊपर छे यदि बच्चा सब तो ओकर खान पान में अखन विशेष ककर ई नोवेल कोरोना वायरस अब शुरू भ गेल छै त अइमे अपना सब सब गोटा लड़ रहल छी आ लॉन्ग लास्टिंग अखन लड़ही के छै क्याकि कोनो अखन वैक्सीन नै छै त रास्ता नजर नै आ रहल छै अपना सब के लड़े के छै त अब 6 महीना से ऊपर के बच्चा सब में केहन केहन तरीका के खान पान में विशेष ध्यान दे जाय जी धन्यवाद अखन अपने के देखल जाए तो अभी नोवेल कोरोना या कोनो इमरजेंसी या एक डिजास्टर लाइक सिचुएशन से और अपना सबके प्रदेश में या देश में ही ऑलरेडी बार बार न्यूज में देखे छे समाचार में देखे छे जे अपन प्रदेश में सबसे बेसी कुपोषित बच्चा छे अपना प्रदेश में सबसे बेसी रक्त अल्पता के बच्चा छे मतलब एनेमिया के बच्चा छे अपना प्रदेश में सबसे बेसी बच्चा सबके डायरिया होय छे अपना प्रदेश में सबसे बेसी बच्चा सब के निमोनिया होय छे आरो संक्रामक इन्फेक्शन सब होय छे इन्फेक्शस रोग सब होय छे जी तो ताई के लेल एक तो ऑलरेडी अपना सब के अइठाम एहन समस्या सब छे और लॉकडाउन या कोनो इमरजेंसी के समय में यदि ई समस्या सब अबै छे त ई सब अइमे दुगुना बढ़ जाय छे जेना कुपोषण के स्थिति छे जे बेसिक बेस लेवल से ते से दोबर भ जेती हो आप सब जी कि खान पान में अब ओई तरीका से एक तब बेसी अपना सब के दैनिक जालादारी क खाय वाला सब रहै छै त अपना सब ओहन समय में और कमेते नहीं त खेते के आई लॉकडाउन से बहुत गहरा असर पड़ै छै जी तो लॉकडाउन के समस्या रहत जखन ई इमरजेंसी या कोनो डिजास्टर लाइक सिचुएशन जेना बाढ़ी पहिरो गेले भूकंप एले या आरो कोनो मानव सृजित
दुर्घटना कैटास्ट्रॉफी डिजास्टर ये सब जो अबे छे तो सबसे पहले जो वीकेस्ट छे सोसाइटी में जना वृद्ध वृद्धा गर्भवती महिला और बच्चा सब तो ओकरा सब पर असर पड़े छे और एकर एकटा बृहत प्रभाव पड़े छे बच्चा सब पर और जना अपने एकटा हम सब कुपोषण या पोषण के बारे में फोकस करे छी यदि ओवरऑल प्रभाव के बारे में बात कयल जाए बच्चा सब में तो जस्ट हम लिस्ट अपने के माध्यम से फिर श्रोता सब के कह चाहे छी जे बच्चा सब में केहन केहन प्रभाव पड़ सकिए तो सबसे पहले तो बच्चा में एकटा मानसिक प्रभाव पड़े छी और बहुत बच्चा में हमरा सब बच्चा सब अखन आबि रहल है तो बच्चा सब में मानसिक स्वास्थ्य के इग्नोर कयल गेल छै जे बच्चा सब में कोनो मानसिक तेहन समस्या होती जे हम सब नहीं आकलन करै छी या नहीं पूर्वानुमान करै छी लेकिन बहुत मानसिक समस्या सब पड़ रहल है बच्चा में जना चिड़चिड़ापन होनाए विभिन्न समस्या बच्चा कहलक कखनो पेट दुखाइ माथ दुखाइ तेहन समस्या सब लाबि सकै लेकिन सबके जड़ ओकरा माइंड में समस्या छै दोसर चीज छै बच्चा के कुपोषण के प्रभाव बच्चा के कुपोषण भऽ जेतै खाना नहीं भेटै छै या फूड इनसिक्योरिटी से अइ पर हम सब विस्तार में बात करब तीसर चीज से बच्चा के एजुकेशन के प्रभाव स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ते जी चारिम चीज से बच्चा के एब्यूज होब के सेहो चांस से ओहो एक टा बात छै जे चाइल्ड एब्यूज यदि लॉकडाउन के समय में या कोनो डिजास्टर के समय में लैंगिक हिंसा यौन हिंसा जीवीवी इहो सब देखल जाइ छै दोसर चीज फिर तेसर चीज छै जे इन्फेक्शस डिजीज इन्फेक्शन भऽ सकैए बच्चा सब में ओहो के संक्रमण मतलब बढ़ सके बच्चा में सेहो देखल जाए तो आई अपना सब विशेष चूंकि समय कम से तो बच्चा सब में न्यूट्रिशन से पड़े वाला प्रभाव एवं हाँ दूसर चीज यो इन्फेक्शन कैला बढ़ते अपने के तो खोप की समस्या भ जाते खोप सब नहीं चल रही है स्वास्थ्य कर्मी कतौ सप्लाई चेन में गड़बड़ भ गए या स्वास्थ्य कर्मी नहीं पहुँच रहा है या कतौ वैक्सीन सिलिंडर में अ सब में कमी भ गए ते दुआरे या दवाई के अभाव भ गेलै कोनो इन्फेक्शन भ गेलै सामान्य इन्फेक्शन ट्रीट करय वाला दवाई सब तो ई प्रभाव सब पड़ सकै तऽ अखन अपना सब न्यूट्रिशन पोषण के बारे में अपना बच्चा सब के खूब लागि रहल छै कि नै लागि छै चल रहल छै अखन एडवाइजरी जारी भेलै जे नेपाल सरकार सँ जे खूब चलाबै के छै खूबो अत्यावश्यक सेवा में छै कोरोना के साथ साथ बेसिक स्वास्थ्य के नै बिर सके छै और बेसिक स्वास्थ्य में अपने के खूब अखन कोन तरीका से चलाल जाय छै किया कि अखन त बेसी भीड़ भाड़ नै करय के छै जी भीड़ भाड़ नै करय के छै त अखन फिक्स अमुक दिन पर कोनो जगह पर तोकल गेल छै खूब केंद्र और ओहि केंद्र पर जाकर और कुछ नियम सब के जना सामाजिक दूरी सोशल डिस्टेंसिंग ए सब के मास्क लगा कर कुछ मतलब परहेज क के और खूब लगाएल जाय छै जी त खूब भागल अपने के तकर बाद पोषण पोषण में बात करी तो बहुत एक विशाल टॉपिक छे और पोषण के कहिए दे लीजिए ऑलरेडी अपना सब के ऐसे पहले ही से एक लेवल बहुत उच्च छे कुपोषित बच्चा के संख्या रक्त अल्पता के संख्या आ यदि लॉकडाउन होय छे तो ओइसे आरो बढ़ जाय छे अब केना बढ़ जाय छे तो सबसे पहले तो फूड इनसिक्योरिटी भए छे खाद्य असुरक्षा मान लेल जाओ जे घर में ओकरा एक अवेलेबिलिटी के कमी भ जाय छै खाद्य के खाना के अभाव भ गेल तब खाना तक एक्सेसिबिलिटी के तकर बाद पहुंच नै पुगै छै बच्चा के या माय के या परिवार के एज अ होल तकर बाद ओकरा मेंटेन केना करबै यूटिलिटी तकर बाद ओकर उपादेयता हमरा सब के आर्थिक स्थिति बढ़िया होय तो लगभग खाना केना खायल जाय तहु चीज के बहुत बड़का कमजोरी छै जे हम सब नै बुझै छी जे खाना केना मिला के खायल जाय कोन चीज खायल जाय घरे के खाना खायल जाय स्वस्थकर तरीका से खायल जाय कोनो बेसी पैकेज वाला चीज या जंक फूड या मतलब जंक जूस या कोनो एहन बर्गर पिज्जा अइ सब से कुपोषण बढ़ै छै अपने के कुपोषण खाली वजन कम होनाय नै कि ओबेसिटी अखनी क खास कर के शहरी बच्चा सब में देखल जाय छै ओ ओबेसिटी जे बढ़नाय उच्च बेसी वेट होनाय देखत होबे जे बहुत स्थूल काय शरीर वाला बच्चा सब होबे छै तो ओहो एकटा कुपोषण के प्रकार छै ओबेसिटी जेकरा कहै छै और ओहन बच्चा सब में विभिन्न समस्या फेर ओकर अलग समस्या छै आ डायबिटीज भ सके ओकरा टाइप 1 डायबिटीज इंसुलिन डायबिटीज सब बहुत छोट छोट कमी कमी के बच्चा सब के बेसी सुनैत हेबे जे हां तो ओही से भ सके दोसर चीज ओकरा दम के समस्या भ सके तेसर चीज आरो विभिन्न समस्या लागे लेकिन कॉमन समस्या सबसे ज्वाइंट में प्रॉब्लम केला तो वेट बढ़ गेले ओकरा जोड़नी पर बेसी लोड भार पड़ रहल है त नी मतलब जना घुड़ा में समस्या भ सके
जोड़ने में घोड़ा वाला जोड़ने में पेन भ सके बच्चा सब कम्प्लेन कर सके तथापि अपना सब कुपोषण पर आओ जे सबसे पहले तो छह महीना तक कोनो भी परिस्थिति में एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहे छे माय के दूध मात्रे पिलाए जे बच्चा के जी 6 महीना तक ओहे देवे के छे तो बच्चा बहुत स्वस्थ रहते 6 महीना के बाद में और की सब विशेष ध्यान देवे वाला 6 महीना के बाद से तेकर बाद देखे थे जे अपना सब बहुत हम सब एक्सपीरियंस के लिए जे देख लिए बच्चा सब लग अबे छे तो 6 महीना तक बच्चा ठीक रहे छे 6 महीना तक लगभग हरेक बच्चा हेल्दी रहे छे जखन तक माय के दूध पिला जब ओकरा थप पूरक खाना के आवश्यकता पड़े छे तब अइ में बहुत जनचेतना के कमी छे लोग अपने के कथि कहे छे जे एकरा सेरेलक आप देबो पड़ते सेरेलक नॉर्मली हो छे बाजार में इजीली भेट जाय छे लोग इजीली भेट जाय छे और दोसर चीज के ज्ञान नै छे वही कह लीजिए पॉवर्टी तो हट जाए छे लेकिन माल न्यूट्रिशन नहीं घटल है यह समस्या छे सब सबसे बड़का अखन लगभग लोग विदेश जाकर अपना सब के आइए जो गरीबी की स्थिति छल वही में कुछ सुधार भेल है गरीबी के अवस्था में सुधार भेल है लेकिन कुपोषण के अवस्था में सुधार नहीं भेल कैला तो अपना सब के मेजर इन्वेस्टमेंट से जे लगानी उ लगानी कथी में जाए छे तो महंगा मोबाइल में जाए छे महंगा कपड़ा में जाए छे और बढ़िया से और खाना तो पोषक खाना में नहीं इन्वेस्ट करे छे अपना सब खाना केहन इन्वेस्ट करे छे तो बेसी जंक फूड टाइप में और प्रोप्राइटरी फूड जी बिल्कुल डिब्बा वाला चीज तो सबसे बड़का पॉइंट वह है अपना सब अठाम पैसा के तो लगभग बहुत आदमी के आप कमी नहीं है हम ये नहीं कह चाहे छे गरीबी नहीं छे लेकिन तैयो पैसा हो तो में पॉवर्टी में सुधार भेल लेकिन कुपोषण के अवस्था में कैला में सुधार भेल है तो लोग खाए ला नहीं जने छे जे ओकरा केना कम मिला के खाएल जाए घरे के चीज अब अये से यदि तुलना करबे हम पहाड़ों में काज के नहीं छे बहुत दिन काज के लिए वो देख ली वो ये एक प्रदान छे जे वो एक तो कुछ मतलब बाहर के चीज नहीं भेटे छे या बाजार से बेसी पहुंच नहीं है अखनी रोड के एक्सेस मिला से पहुंच रही वो स्थिति नहीं तो घर के मतलब लोकल ऑर्गेनिक फूड अपना करे सवारी में उपजायल फूड तरकारी ये सब खाना सब खाई छे तो बच्चा से बेसी स्वस्थ रहे छे अपना सब के तुलना में एक दूसरा उदाहरण के रूप में अपना सब केहन केहन किस्म के द सके छे कर जी हां तेकर बाद तो 6 महीना तक भागल जे अपने के माहे के दूध के आवे के छे जे एक्सक्लूसिवली तेकर बाद पूरक खाना में जना लीटो भगे मकई चना भटमा सतुआ ये सब लोकली मेड फूड से एक सतुआ से हो बच्चा के द सके छे जी अभी सर्वोत्तम पीठो वह छे जी सर्वोत्तम पीठो जे पैकेट में अबे छे वह छे और ओकरा धीरे धीरे एक बेर में एकटा खाना से इंट्रोड्यूस कैल जाए तेकर बाद कुछ खाना मतलब जना अंडा सब करीब बच्चा के कते कते देर के गैप के बाद में खाना देल जाय छे जी और तेकर बाद अपने के बच्चा सब के लगभग 4 से लेकर 6 सर्विंग कहे छे 6 बेर जना 24 घंटा में 6 बेर 24 घंटा में 6 बेर तो 4 घंटा पर कुछ और हरेक बार खाना चार कहे छे जना हरेक बार खाना चार और विभिन्न रंगीन खाना होबे छे जना कुछ पियर आम भेले पियर तरकारी भेले हरियर साग सब्जी भेले और कार्बोहाइड्रेट भगल जना मेन ग्रेन भले कार्बोहाइड्रेट जन्य पदार्थ भगल अपने के ओहो चाही जना मकई भगल गहूम भगल या चावल भगल ओ भगल तेकर बाद अपने के फैट हल्का हल्का घी चाहिए या तेल चाहिए वो बाजार के नहीं कोई तो बनिया तेकर बाद प्रोटीन में अपने के ये पनीर भगल या ये सब जो वेजिटेरियन छे या मांसाहारी छे तो माछ या मासु और दूसर चीज जे अपना सब के माछा या मासु पकावे के तरीका छे वो बहुत गलत छे यदि माछा मासु बन छे तो पूरा ओकरा ओते ऑयली फ्राई कर देल जाय छे अपना सब टेस्ट अनुसार खाय छे टेस्ट अनुसार या इवन यदि अपना सब के सागो बने छे तो ओहो फिर ओई के एते फ्राई कर दे छे जे ओकर पोषक तत्व सब भेटा ऊपर से अपना सब में तेल मिलाएल जाय छे साग तेल मिलाएल जाय छे तो विटामिन ए फोलिक एसिड सब ओकर नाश होय तेसर चीज फाइबर फाइबर चाहिए बहुते बच्चा सब के कंस्टिपेशन के देखे छे समस्या आवे छे फाइबर भगल जे अपने के जना गाजर मूला खीरा ऐसा में रेशादार पदार्थ रहे छे और पेट के सफा करे छे ओकरा कंस्टिपेशन के शिकायत नहीं रहती और शरीर के चाह वाला जिंक और माइक्रो सूक्ष्म पोषक तत्व सब कहे छे तो वही सब प्राप्त होय छे और कुछ मात्रा में पानी से हो रहे छे तो अपना सब अवशोषित रूप से सेहो पानी वही के माध्यम से खाना के माध्यम से खा रहल छे तो डिहाइड्रेशनो के समस्या नहीं है जी
यह चीज सब तेसर चीज छ सबसे बड़का प्रैक्टिस हैंड वॉश के अपना सबके हाथ धोब के से क्लीन हाउस क्लीन होम क्लीन मतलब हर एक चीज सफा हो चाहिए और हैंड वॉशिंग के प्रैक्टिस यदि बनिया रहते तो डायरिया नहीं होते जी और डायरिया भग एक तो खाना कम छे वही से अपने कुपोषण के रिस्क भग जी दोसर वो बच्चा के बार बार पखाला केला लगे तो इन्फेक्शन प्रिवेंशन के प्रैक्टिस नहीं के लिए फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग नहीं के लिए हाथ नहीं धोलिए तो सब बच्चा के संक्रमण हो संक्रमण भग तेकर बाद डिब्बा वाला हाँ और इस सब खाना अपने के कहियो भी अपना सब जी कहे निप्पल या चुसना वही लग नहीं पिलाव के बच्चा के खुला कटोरा में चमचा धक पिलाव के बंद बोतल में नहीं खिलाव के बंद बोतल से नहीं दिया के छे बंद बोतल से किया के देबो के छे ना त अखन त जन्मते बच्चा सब पहले बोतले में दूध पिए छे तो ओकर की कारण छे जी बंद बोतल से तब ओकर फिर कहे छे जे इन्फेक्शन होय में बहुत बड़का चांस रहे छे इन्फेक्शन होबे के अकेला बंद बोतल के जे गुना छे ओय में कितनो चाहबे त अपना सब सफा नहीं रख सके छे ओकरा फिर अपना सब के लेल बार बार गरम पानी करनाए ओकरा साबुन से धोनाए मुश्किल से मुश्किल काम है असंभव से और वही में जो बैक्टीरिया ग्रो हो जाए छे वही भीतर में दूध लागल पार्टिकल सब लागल तो वही सब बड़का इन्फेक्शन बाद में बचा सकते और वही डायरिया करवे छे और बार बार डायरिया भेल आ देखबी जे दूध पिला वाला बच्चा जे निपल वाला छे में टिपिकल एक स्मेल अबे छे गंध अबैत रहल दूध सब वही में कहे छे जे सेट जाए छे वही भीतर गुना में ते दुआरे नहीं देल जाए और खुला कचौरा में बाटी में अपना सबके या चमचा लग कर देल जाए बच्चा सबके तो बेसी स्वस्थ जी साफ करे में सजिलो छे एक बेर दिल्ली खत्म भ गेले और तेकर बाद इन्फेक्शन के संक्रमण के बहुत कम चांस रहे छे तो ऑलरेडी अपना सबके कम खाना भेटे छले मिला के नहीं खाई छली पोषक तत्व सब ओकरा यूटिलाइज केना करबे जे अपने बाड़ी में अपने हरेक चीज भेटे छे जेना अपना सबके चाउर दाल के लगभग अभाव नहीं छे मेवा ही फरे छे फर्सी अहिया होय छे मतलब लौका अहिया होय छे और एक चीज आम अही ठाम होय छे पियर विटामिन ए तो लगभग यदि कनिको हेल्थ एजुकेशन हेल्थ प्रमोशन अइ सब पर यदि ध्यान देल जाए और एकरा से दुटा चीज कहे छे जे पोषण के लेल न्यूट्रिशन सेंसिटिव और न्यूट्रिशन स्पेसिफिक देखने वे तो सेंसिटिव भगल जे न्यूट्रिशन सेंसिटिव चीज सब से जे केना के कृषि के माध्यम से कृषि जन्य उत्पादन के बढ़ा कर या अपना क्रेसा बारी में या छोट छोट अब अखन तो देख छी जे गार्डन फार्मिंग सब भगल गमला में रख के लोग सब तरकारी उपजाएल उपजावे छी तो ओहो क के यदि रखल जाए ओहो हिसाब से यदि बच्चा सब के पोषक तत्व तो देल जाए तो बहुत सुधार रहते सिंपल बाल स्वास्थ्य के लेल अपने के प्रिवेंटिव एक बड़का चीज छे जे रोकथाम एकरा कहल जाए न कि उपचार में जाए जाए तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस छे खर्चीला छे और बाल मृत्यु दर होवे के संभावना बेसी रहे छे जखने अपने उपचार में गेले त वो एक और झंझटीला कॉस्टली भ जाए छे खर्चीला सेहो भ गेल और बर्डन भ रिस्क भ गेल त सबसे पहले यदि ई सब प्रिवेंटेबल चीज छे एकरा हम रोकथाम क सके छी रोक सके छी संपूर्ण गोटा के हरेक भंसा घर में हरेक के किचन में हेते सब चीज अपन घर में बाजारों में इजली पाए वाला सामान हम अपने फिर जानकारी करवा अपना सबके अस्पताल में एक जनकपुर अस्पताल में एक पोषण गृह फिर हम पोषण में लगभग 1000 बच्चा और लोग के पहले विश्वास नहीं छे माई सब के ये कथी करते कथी दाल भात खियाते ओतबे खाना खा के हमर बच्चा मतलब कुपोषित बच्चा सब और लोग अबे छी त की कहल जे सबसे केहन हमरा कते महंगा दवाई दिए ओ एहन दवाई दिए जे एकेटा टैबलेट में ठीक हो जाए लेकिन कुपोषण एक दिन में नहीं होय छे अपने के 3 महीना 6 महीना से बच्चा सब में धीरे धीरे सबसे पहले वेट कम होय छे तेकर बाद हाइट कम हो लग छे तेकर बाद ब्रेन के असर पर लग से हार्ट पर असर पर लग तेकर बाद बार बार ओकरा संक्रमण होवे लगे छे तो 3 महीना से लग 6 महीना तक अपने के ये प्रोसेस रहे छे अब 3 महीना से 6 महीना तो अपने सब आइटम देने छे अखन ते जी वो सुविधा होय छे पोषण गिरी छले तो वो ये राइट कर ओकरा देखायल जाय छे माय के सिखायल से हो जाय छे
और तेकर बाद अपने के अपने सब अपन ऑब्जर्वेशन में रखे छे बच्चा सब जी हां ओठम राखल जाय के स्वास्थ्य कर्मी सब रहे छे और ओकरा ओहे दाल भात ओहे करेसा वाली ओहे से तरकारी खिला के ओहे के केरा दूध खिला के और बच्चा सब के स्वस्थ रिस्ट पुष्ट बना के पठाएल जाय और ताकि ओकरा महगा कोनो चीज नहीं देल जाय एहन ताकि ओ घर में जाकर नहीं कर सब चीज के सिस्टम सिस्टम बना के जे ओकरा कहल जाय छे जे अपने ये तरीका से कहल जाय तेकेला तो महगा चीज कोनो देवे कहबे जे पैकेट वाला चीज या विदेश में बनल चीज या कोनो डिब्बा बंद चीज देल जाय जैसे काल ओ घर में नहीं कर सके तो ओकर मतलब इम्पैक्ट बड़का पड़ते जी तो नहीं कर सके फिर कैल जाते ये सब ठीक भग जाते बच्चा बीमार ते द्वारे अपना सब लोकली अवेलेबल फूड अब अगर ऑलरेडी बच्चा कुपोषित भ गेल छै जी त तेहन सब के अब विशेष क के ई जहिया से नोवेल कोरोना वायरस शुरू भेल ई लॉकडाउन जहिया से शुरू भेले तहिया से और बहुतो घर सब में खान पान के तक के समस्या भ गेल छै त अगर एहन समय में बच्चा सब ऑलरेडी अगर कुपोषित भ गेल छै त ओहन बच्चा सब के लेल और की उपचार अथवा की सुविधा सब छै प्रदेश के दिस सब जी बिल्कुल अखन प्रदेश के दिस या केंद्र सरकार से सबते एडवाइजरी जारी भेले जे सबसे पहले तो हैंड वॉशिंग सोशल डिस्टेंसिंग एते कोरोना के लेल एते मेंटेन करे अपने के बच्चा के जे नियमित खोप सब छे वो खोप सब दियावा के छे तेकर बाद न्यूट्रिशन इन इमरजेंसी जना इमरजेंसी के टाइम में बच्चा के केना खाना देल जाए वो के लिए अलग से ट्रेनिंग लगभग ये अपने के वार्ड लेवल तक महिला स्वयं सेविका से लग और हेल्थ पोस्ट में रह वाला स्वास्थ्य कर्मी के लिए हर एक बच्चा के अपना सब ये डॉक्टर या अस्पताल तक नहीं लाइब सके छे बड़का से नॉर्मलो दिन में नहीं आवे छे त अखन आव के लॉकडाउन में चांस नहीं छे संभव नहीं जी त कम्युनिटी लेवल में सामुदायिक लेवल में कुछ जे रेडी टू यूज थेरापेटिक फूड सब छले कुछ पैकेट सब वितरण प्लम्पिंग नॉट या एनी इमरजेंसी में सेहो सब देल जाय छे और अखन देबो के शुरू भ गेल जी शुरू भ गेल छै पहिले ही से कार्यक्रम छले और अखनो चल रहल है और तेकर बाद ओकरा सब के टेप देल गेल है वेट मशीन देल गेल है जे ग्रोथ मॉनिटरिंग क क और जे बच्चा के देखि छै जे खतरा के लेवल छ ओहि में दुटा चीज छै यदि मेडिकल कॉम्प्लिकेशन छै त रेफर करब पड़तै जे पीडियाट्रिशियन या बाले रोग विशेषज्ञ या कोनो ऊपर देखा पड़तै अस्पताल में और मेडिकल कॉम्प्लिकेशन नहीं छै यदि वो नीचे लेवल में मैनेज कयल जा सके तो ओकरा वही लेवल से मैनेज कर सके अच्छा सब चीज के अनुगमन कते के भ रहल छै कि आखिर जेकरा द रहल छै फूड के पैकेट सब सही ठाम में पहुंच रहल छै कि नहीं पहुंच रहल छै तै सब के अनुगमन कते के भ रहल छै जी अब ई एकटा हमेशा से समस्या रहल जे अनुगमन के या इम्प्लीमेंटेशन के कुछ चीज छै जे अपना सब के वो एक्सेप्टेंस वही चीज में जना रेडी टू यूज आरयूटीएफ छै सप्लीमेंटल फूड से वही चीज में कुछ एक्सेप्टेंस कम है तथापि अब दिल जाए लोग सब खाइला निमाल खाला बच्चा नहीं खाए छे तो ओहन अवस्था में यदि घर में प्रिवेंशन कैल जाए या बच्चा के अपने लोकली मेड फूड सब या ओकरा न्यूट्रिशियस तरीका से तो बहुत सुधार और वही के साथ साथ अल्बेंडाजोल मतलब भ गेलै जे टी वार्मिंग जुका के औषधि ओ देबे के छै तेकर बाद गर्भावस्था से लक माय यदि आयरन के टैबलेट और फोलिक एसिड 4 महीना के बाद से खाए के छै जी और प्रेगनेंसी समाप्त भेला के 1.5 महीना तक से हो खाए के छै यदि ओ खाने तो वही बच्चा सब के आयरन डिफिशियंसी कम होते और किशोरी अवस्था में सेहो अखनी आयरन के उपलब्धता छै कोनो समस्या नहीं आयरन देल जा सके तो काल यदि एकटा चक्र छै कि अपना सब कुपोषण के चक्र में फंस गेल छै जेना कमजोर बच्चा भेले ओ फिर कमे एज में जाके शादी भ गेले वही से फिर कुपोषित बच्चा जन्म और बेसी समस्या उत्पन्न हो जाए छे सर बीसीएस एक चक्र में अपने माय अपने स्वस्थ नहीं रहते तो बच्चा के की स्वस्थ बने थे स्वस्थ बच्चा अर्ली चाइल्ड मैरिज भ गेले बाल विवाह भ गेले ओकरा फिर प्रीमैच्योर बच्चा जन्म ले अपरिपक्व कहे छै जे ई प्रीमैच्योर वाले समय से पहले 36 सप्ताह से पहले बच्चा जन्म गेले ओ बच्चा वीक भ गेले फिर उहे बच्चा नमहर हेते ओकरो कम उम्र में शादी भ गेले त ई समस्या सब छै त ओ चक्र के कतो ने कतो तोड़ के छै त ई बेसिक चीज सब छै कॉस्ट इफेक्टिव सब छै और एई में हरेक देश बेसी मतलब देश विदेश मतलब विश्व के जे धनी राष्ट्र है सेहो सब एई चीज के जे सिंपल प्रिवेंटिव चीज छै और ऊ सब अपना सब बिना कॉस्ट बिना मूल्य क सके छी लेकिन जन चेतना हेल्थ एजुकेशन हेल्थ प्रमोशन ओही चीज के कमी भेला से कारण यदि उपचार त अलग चीज छै उपचार एकटा बड़का झंझटिलो पार्ट है
बहुत अच्छा अखन से अब विभिन्न प्रदेश सरकार के अथी से विदेश राहत के कार्यक्रम सब बेसी चल रहल छै तै में विशेष क बच्चा सब के लेल जे अपने कहलिए कि द रहल छै कि अखनी पठाय रहल छै त तेकर हम विशेष ई कने क एकटा लाइव रहले हमरो सब के बहुत प्रश्न सब सेहो आइब रहले हमरा सब के कि सही ठाम में सही व्यक्ति लग में पहुंच रहल छै कि नै पहुंच रहल छै ताई के लेल अपने सब विशेष की छै ताई के लेल केना क जानकारी ले छी कि ठीक अगर हम कोनो चीज पहुंचे लिए त ओ जत पहुंच के चाहि त पहुंच रहल छै कि नै पहुंच रहल छै ताई के ओइ के कते के अनुगमन भ रहल छै कते के रिपोर्ट आइब रहले अपने सब लग में जी अब कुछ छे में असंतुष्टि सब जना अब अखन बुझते छे जे तीन तरह के सरकार भ गेल एकटा संघीय सरकार प्रदेश सरकार और स्थानीय सरकार अभी राहत वितरण ये तो संपूर्णतया मतलब और हेल्थ पोस्ट सामान्य स्वास्थ्य उपचार ये सब स्थानीय तरह के जिम्मा में छे और वही ठाम से मॉनिटरिंग होबक चाहिए वही उ चीज वही लग देले गेल छे जना स्वास्थ्य शिक्षा हेल्थ पोस्ट संपूर्ण स्थानीय तरह के जिम्मा में छे प्रदेश सरकार से तो ई देल गेल छे जे अपने के लगभग प्रत्येक पालिका में 20 लाख या 25 लाख राहत वितरण के लेल और राहत वितरण चूंकि अब स्वास्थ्य रिलेटेड नहीं लेकिन स्वास्थ्य रिलेटेड कमोडिटीज हम सब लगभग हरेक क्वारंटाइन स्थल हुए या हेल्थ पोस्ट है वही लेवल से और इवन खोप के लेल हम सब प्लान बना रहल छी जे ओकरा देवल जाए ताकि खोप अवरुद्ध नहीं हुए बेसिक स्वास्थ्य सेवा सेहो नहीं अवरुद्ध हो गई अखन की भेलै त बड़का हॉस्पिटल सब लगभग बंद छै शहर जी बड़का हॉस्पिटल सब शहर में छै त चाप छै जे स्थानीय हॉस्पिटल हेल्थ पोस्ट सब में भ गेलै त ओहि ठाम सेवा नहीं बाधित है ओहि ठाम स्वास्थ्य कर्मी के कोनो हिसाब से मतलब स्वास्थ्य उपकरण औषधि जल्दी पदार्थ में आप सबकी कमी जी तो वो इसमें हम सब लागल छी लगभग कह रहल छी जी जी देख विभिन्न अथी सब में सैनिटाइजर मास्क सब अपने सब बहुत नीक तरीका से सब तर जा बिल्कुल लगभग अपना क्या प्रदेश में आपूर्ति के या फिर बड़का हॉस्पिटल में पीपीई ये सब के उपलब्धता अखन स्थिर छै ई नहीं कहै छी यथेष्ट छै काल यदि बेसी केस भ जेतै तखन अवस्था में लेकिन अखन लगभग एक महीना तक या स्टेबल छे जे स्वास्थ्य सामग्री कमोडिटीज ही स्थिरता से पहुंच रहल छे छै हम बुझाय लगभग जी दोसर चीज छे जे चाइल्ड एकटा चाइल्ड एब्यूज के सेहो समस्या है बाल अपने के ओकरा साथ दुराचार हुआ के या इहो कहियो देखल गेले लॉकडाउन में दुर्व्यवहार तो ओहु प्रति सजग रह के अभिभावक के या कोनो कोनो केस में इवन नजदीक के आदमी से सेहो चाइल्ड एब्यूज देखल गेलै तऽ ओहि प्रति मायके या बेसिक मायके एकर बाद पेरेंट के या नजदीक या आदमी ओहि प्रति सजग रह के से ई विशेष कऽ कऽ आब करीब करीब हम सब अंत अंत में आबि गेल छी तऽ एज अ होल हमरा सबके ई बता देल जाओ कि कोविड-19 सरह के जोखिम कम करे के लेल विशेष कऽ कऽ न्यूट्रिशन में खान पान में और की हम सब प्लस कर सकै छी जी बिल्कुल अपना सब विभिन्न अखन तक के रिसर्च अनुसार जे खान पान से एकटा पूरा खाना सुरक्षित जे हम सब खाना के पैकेज कर केना क के बनाए खान पान से एकर कोविड के साथ कोनो रिलेशन नहीं छै तथापि यदि इम्यूनिटी कम छै जेना देखल गेलै जे अखन तक नेपाल में कैला ने कोविड से मृत्यु भेलै और तेहन सीरियस ऑक्सीजन में जाय वाला या वेंटिलेटर पर जाय वाला बीमारी से बहुत कम है लगभग 300 केस 275 केस आई तक अखन तक चल आयल छै लेकिन तो केला तो ई केस सब छै जे लग बेसी से बेसी आयातित केस छै और आयातित केस के हम है जे लोग यंग उम्र में 25 से 50 वर्ष या 49 वर्ष के आदमी सब बाहर जाय छै काज करल और ओकरा सब में कोरोना अखनी देखल गेलै विशेष त युवा अवस्था के आदमी के कोरोना देखल गेलै हालांकि कुछ वृद्ध वृद्धा सब छै लेकिन तथापि तो युवा सब में इम्यूनिटी बनिया रहे छे रोग से प्रतिरोधी क्षमता बेसी रहे छे तो ते द्वारे वो सब लेवल तेहन सीरियस नहीं देखल गया तो खाना से ते कोनो रिलेशन प्रमाणित नहीं तथापि खाना से की करछे इम्यूनिटी पावर के चाहे इम्यूनिटी पावर बढ़ावला अपने के रेगुलरली सफा स्वस्थ खाना और बेसी से बेसी ऑर्गेनिक खाना घर के खाना है उ खायल जाए पानी यथेष्ट मात्रा में पियल जाए और विटामिन सी जना नींबू
पानी ये सब चीज सब यथेष्ट मात्रा में ले जाए कहे जिंक से हो कहे से जिंको ले जा सके लेकिन जिंक के कुछ नेचुरल सोर्स सब से उस फ्रेश फ्रूट यदि मेवा पपीता या ये स्याव नाशपाती ये सब खाया जाए तो जिंक वही सब से प्राप्त हो सके पोटाशियम केरा में पोटाशियम तो ये चीज सब इम्यूनिटी वर्धक से रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ावे से अपना से कोनो महंगा खाना कोनो पैकेज्ड खाना या डिब्बा वाला खाना या डिब्बा वाला जूस कैन कैन में राखल जूस वही सब खाए के जरूरी है वही सब से बनिया फ्रेश फ्रूट या फ्रेश वेजिटेबल जी ग्रीन हरा सब्जी या गाजर हो मूला हो ये सब खाया जाए तो निश्चित रूप से रोग से लड़े वाला क्षमता में वृद्धि हो रोग के डेट का मुकाबला किया जा सके बहुत बहुत धन्यवाद अपने के एक जानकारी विशेष कक हमर सब के जे दर्शक सब अखन देख रहल छथिन हमरा लगे कि बहुत गोटा के मन में एक प्रश्न सब हेतै या बहुत गोटा के मन के सब सॉल्यूशन हमरा सब के भेट गेले सब उत्तर आइब गेले अपने के बहुत बहुत धन्यवाद एतेक अपने बहुत व्यस्त रहै छी लेकिन एते व्यस्तता के बावजूद हमरा सब के लेल एतेक समय निकाल के एनौ ताके लेल अपने के बहुत बहुत धन्यवाद जी धन्यवाद अपने होके और संपूर्ण श्रोता लोकन के धन्यवाद जी अपने सब सुनलिए विशेष कक खान पान में जो ध्यान दिल जाए तो विशेष कक कोरोना के संक्रमित होब सँ बच सके छी आ आई विशेष कक हम सब बातचीत के लिए गर्भ अवस्था से लक 8 वर्ष तक के बच्चा सब के लेल न्यूट्रिशन में खान पान में केहन केहन किस्म के ध्यान देव के चाहिए तो अवश्य पानी इजिली हमरा सब के भेटल बेसी से बेसी पानी पियो और फल फूल सब सीजनली जे सीजनली फल फूल सब इजिली भेटे छै आम के सीजन है तो आम खाओ पपीता के सीजन छै तो पपीता खाओ सीजनली भेटे वाला फल फूल सब खाओ तहिना जे अपन सब के घर में भात दाल तरकारी साग सब दिन खाओ ये सब होए तो कोरोना संक्रमित होब सँ हम सब बहुत हद तक बच सकै छी आब अगला एपिसोड में और हम सब बातचीत करबे टा करब यूनिसेफ लाइफ नेपाल के संयुक्त सहकार्य में नटराज प्रोडक्शन द्वारा प्रस्तुत रहले कार्यक्रम कोविड कुरा आई के लेल एतबे दोसर भाग्य में फिर से उपस्थित है नमस्कार धन्यवाद।